हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एग्जाम मेंटर। आज हम जो देखेंगे हम एडीएम एंड फ्रेजेस पढ़ रहे हैं। ये एडीएम एंड फ्रेजेस का जो है सो पार्ट टू है, ठीक है। और पार्ट वन जो है सो हम अपलोड कर चुके हैं, आप जा कर के हमारा प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट जो है सो कोर्स कराने वाला हूँ एसएससी का फ्री में, ठीक है। तो आप एडीएम और फ्रेजेस क्या है वो तो आप पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ क्या है, तो आप अगर नहीं देखें तो आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जा कर के पहले देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम देखिए हम एक दिन में 50 एडीएम एंड फ्रेजेस कर रहे हैं, बहुत ईजी होता है 50 करना, ठीक है। तो आज हम जहाँ से शुरुआत करेंगे वो हमारा 51 से होगा। टू बी ऑलवेज वंस बेक एंड कॉल, देखिए ये कितना ईजी होता है, ठीक है। आपको ये अगर मैं मीनिंग बता देता हूँ, एट वंस डिस्पोजल, ठीक है, रेडी टू सर्व वंस मास्टर। आपको इंग्लिश में ही समझ में आ गया होगा इस कमिंग, लेकिन फिर हिंदी आपको मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। आप किसी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएं जब वो कहे, ठीक है। देखिए आपका बहुत सारे फ्रेंड्स होता होगा, मतलब कैसे समझना इस एडियम को, देखिए आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होते होंगे, लेकिन आपका उसमें से जो है सो कुछ फ्रेंड्स जो होते होंगे वो आपके बेस्ट फ्रेंड होते होंगे, और उन बेस्ट फ्रेंड में भी आपका एक मतलब ऐसा फ्रेंड हो जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं जिगरी फ्रेंड्स, ठीक है। यानी कि वो आपको जब भी आप उसको कुछ कहेंगे तो वो करने को तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो उसे बोलते हैं उस चीज़ जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, टू बी ऑलवेज वंस बेक एंड कॉल, ठीक है। टर्न अ डीप ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे ईयर लिखा हुआ, लेकिन ईयर होगा ई ए आर होगा ईयर, ठीक है। मे भी मुझे लगता है, लेकिन ईयर लिखा हुआ है, ठीक है। टर्न अ डीप ईयर मतलब क्या होगा, डिसरिगार्ड, इग्नोर, रिफ्यूज, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे टर्न अ डीप ईयर मतलब क्या होगा, ठीक है। क्या होगा ये मतलब इग्नोर करना, रिफ्यूज करना, ठीक है। मतलब देखिए इसका मीनिंग, इसको मैंने कैसे याद रखा था मैं बताता हूँ, ठीक है। टर्न अ डीप ईयर, ठीक है। ईयर मतलब क्या होता है, काम, अपना काम से मतलब बहरा, बहरा होगा, जैसे मतलब कान कोई आया आप इधर घूम गए तो क्या होगा, आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। उसको इग्नोर ही करेंगे ना, आप कोई आया आप उसको आपको कुछ बोल रहा है इधर कान अपना बंद कर लिए हैं तो क्या होगा, आप उसकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। एट वन स्वीट्स इंड, अगर किसी का जो स्वीट्स इंड हो जाए तो क्या होता है, पजल होता है, कन्फ्यूज और परप्लेक्स, ठीक है। मतलब देखिए जब कोई आपको मतलब अचानक, देखिए क्या होता है इसका मतलब बताता हूँ मैं, और देखिए इन डेलीमा भी बोल सकते हैं, डेलीमा मतलब क्या होता है, द्विधा में, द्विधा में होता है डेलीमा मतलब। जैसे आपने कोई चीज़ देखा, मान लिया आप अपने खेतों में काम कर रहे थे, अचानक से आपने देखा कि अचानक से जो है कि एक कोबरा सांप निकल गया, ठीक है, कोबरा स्नेक निकल गया, तब क्या होगा आपका, आपकी जो सारी शक्तियाँ हैं वो क्या होगी, मतलब जो विट्स जो है आपका, मतलब जो पावर है आपका, वो सारा बंद हो जाएगा, और आप क्या करोगे, अचानक से भागने पर ध्यान दोगे, ठीक है। तो उसे बोलते हैं एट वन विट, जब वो कन्फ्यूज हो जाता है, ठीक है। मतलब कुछ काम समझ में नहीं आता क्या करेंगे, आपका उस टाइम ये नहीं माइंड में आएगा कि खेती करें कि ना करें, ठीक है। द ग्रीन आई मॉन्स्टर, ठीक है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर यूज एज अ वे ऑफ टॉकिंग अबाउट जेलसी, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, यूज एज अ वे टॉकिंग अबाउट जेलसी, ठीक है। क्या हुआ इसका मीनिंग, मतलब किसी से जेलस फील करना, ठीक है। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर बोलते हैं उसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप, मतलब देखिए आपका मान लो कोई आपका जो है सो लवर है, ठीक है, तो आप उस आप क्या करो, कोई दूसरा किसी के साथ आप कहीं पे रहो, ठीक है, फोटो अपलोड करो, देखना वो जेलस फील करेगा, तो उसे इसे मैं बस याद करने का तरीका बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसे बोलते हैं द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ठीक है। गुड सैमरिटन क्या होता है, गुड सैमरिटन एक, देखो सैमरिटन मतलब क्या होता है, सैमरिटन मतलब होता है गुड पर्सन, ठीक है, गुड पर्सन होता है सैमरिटन। तो गुड सैमरिटन मतलब क्या होगा, जो हेल्पफुल पर्सन, जो अच्छा आदमी है, देखिए कौन होता है अच्छा आदमी, जो हेल्पफुल होता है, जो दूसरों की मदद करता है, उसे ही बोलते हैं। अब देखो बैड ब्लड क्या होता है, बैड ब्लड रॉयल, फिर जो ब्लू ब्लड है होता है ब्लू ब्लड, फिर कॉल्ड ब्लड मर्डर, जिसमें पहले करा चुका हूँ कॉल्ड ब्लड मर्डर, तो ये तीनों क्या है, ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है। तो बैड ब्लड का मीनिंग आपको क्या निकल रहा है, वो बैड मतलब खराब, खराब खून, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ईडीएम है, मैंने पहले ही बताया इसका हिडन मीनिंग होता है, ठीक है। इसका हिडन मीनिंग क्या हुआ, देखो क्या हुआ हिडन मीनिंग इसका, बैड ब्लड मतलब क्या होता है, एंग्री फीलिंग, ठीक है, संबंध में खराबी हो जाना, ठीक है। अब मान लो आपका दोस्त है, उससे आपने कुछ हो गया, आपका मैटर हो गया, आपने कुछ पैसे लिए थे, आप नहीं दे पा रहे हो, उसको जरूरी था, आपने ये मदद नहीं किया, तो क्या होगा, दोनों के बीच में खराब हो जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं, बैड ब्लड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंग्री फीलिंग लिखा हुआ है। गो टू द हॉल हॉग, अब देखो हॉग मतलब क्या होता है, सुअर होता है, पिग, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है, सुअर। तो क्या हुआ, तो गो टू द हॉल हॉग मतलब टू डू इट कम्प्लीटली, ठीक है। अब जो किसी भी काम को जैसे पूरे तरह से कर रहे हैं उसे बोलते हैं
टू गो टू द हॉल हॉग, मतलब मैंने इसको देखो कैसे याद रखा था इस idiom को, ठीक है मैं बताता हूँ। हॉग प्लस सुअर क्या होता है, आप उसको एक जो है मैदान में बंद कर दीजिए, वो क्या करेगा पूरा मैदान अपना जो सब कोड देगा आपका, ठीक है अपने जो नाक से, ठीक है। अब लेआउट, लेआउट आपको देखने में कंप्यूटर में भी जो होता है, ठीक है। तो लेआउट मतलब क्या होता है, एक्सपेंड करना, ठीक है किसी भी चीज़ को जो एक्सपेंड कर रहे हैं आप, तो उसे क्या बोलेंगे लेआउट। हिंदी मीनिंग क्या है, देखो प्रारूप होता है हिंदी मीनिंग, ठीक है। लेकिन देखो क्या हुआ, एक्सपेंड करना, कोई चीज़ है उसको आप एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं लेआउट, ठीक है। लेइंग ऑफ, लेइंग ऑफ मतलब क्या होता है, डिसमिसल फ्रॉम जॉब्स, ठीक है। अब मान लो आपको जॉब से हटाया देगा तो वो क्या बोलेगा, लेइंग ऑफ बोलेगा, ठीक है। अपने कुछ काम जो है उस नहीं कर पाया अच्छा से, आपको जॉब से हटा दिया गया, टिल फ्रॉम जॉब, ठीक है। अब लिप्स एंड बॉन्ड्स, ये देखो क्या होता है, लिप्स एंड बॉन्ड्स जो है सो मतलब एट रैपिडली फेस्ट, ठीक है, मतलब फास्ट, बहुत अच्छा से बहुत जल्दी आप कर सकते हो। मान लो आपको कोई ऐसा काम दिया गया जिसमें आप महारत हासिल कर चुके, तो आपको क्या होगा, आपके लिए वो लिप्स एंड बॉन्ड्स होगा, ठीक है। स्पीलिंग द बीन्स, स्पीलिंग द बीन्स मतलब क्या, देखो स्पीलिंग मतलब क्या होता है, फैला देना, ठीक है स्पीलिंग, ठीक है। तो अब देखो स्पीलिंग द बीन्स मतलब क्या होता है, रिवेलिंग द इन्फॉर्मेशन इन सेक्रेटली, ठीक है। आप रायता फैलाना समझते हो, रायता फैलाना मतलब हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आप कोई भी बात आपका है अगर आपको पूरा फैलाना है तो आप क्या करो, औरतों को बता दो, ये पहले होता था, तो वो सारी बात आपका फैल जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आपको क्या, अभी देखो अभी क्या होता है, व्हाट्सएप फेसबुक से बात जो है फैल जाता है, वायरल हो जाता है। लेकिन ये idiom जो इसको मैंने कैसे याद रखा था और आपको कैसे याद रखना है वो मैं बताता हूँ। आप अगर फार्मर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा बीन्स जो होते हैं, बीज होते हैं, वो कैसे डाला जाता है, धान हाथ में लिया जाता है और छींटा जाता है, ठीक है। आप नहीं भी देखेंगे तो कोई मूवी में देखे होंगे फार्मर मूवी में कैसे छींटा जाता है, तो मैंने वहाँ से जो है इसका idiom का मीनिंग याद रखा था, ठीक है। अब कैरी आउट, कैरी आउट क्या होगा, एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जीक्यूट कैरी आउट, ठीक है। आप देखो कैरी आउट क्या होता है, मतलब एग्जीक्यूट करना किसी भी चीज़ को, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कैरी आउट, ठीक है। वेंट टू द विंड्स, वेंट टू द विंड्स क्या हुआ, डिसिपेटेड, टू बी अटरली लॉस्ट, ठीक है, टू बी अटरली लॉस्ट। अब कोई चीज़ को आप मतलब खो चुके हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, वेंट टू द विंड्स, ठीक है, मतलब हवा में मिल जाना, हवा में ख़त्म, वो ख़त्म हो गया, उसे ही बोलते हैं वेंट टू द विंड्स। मतलब अरे हिंदी में एक मुहावरा होता है ना कि हवा में मिल जाना, हवा में तुम मतलब हवा में हो गया, चल गया, ये तो उसे क्या बोलते हैं, टू बी अटरली लॉस्ट, ये सब लॉस्ट कर चुके। देखो इन्स एंड आउट्स जो है, जो मैं पहले करा चुका हूँ, रिपीटेड है, हार्ड लिखा हुआ है, ठीक है। अब वाइट एलिफेंट भी मैं पहले पहले पार्ट में करा चुका हूँ, रिपीटेड है, ठीक है। अब देखते हैं 58 से, देखो 68 में क्या है हमारा, फेड अप, फेड अप मतलब क्या, अनॉयड, ठीक है, बोर। आप कोई भी चीज़ आप करते करते बोर हो गए, मान लो आपको बार बार आपके जो ऐसे कोई भी है वो आपको आकर के एक ही बात बोल रहे हैं, तो क्या हो गया, अनॉयड हो जाओगे, बोर हो जाओगे उस चीज़ से। मान लो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो एक ही चीज़, तो क्या हो गया, बोर हो जाओगे। इन द गुड बुक्स, ठीक है, इन द गुड बुक्स मैंने भी पहले भी करा चुका हूँ, ये रिपीटेड है, ठीक है। इन द गुड बुक जिसका मीनिंग पीछे लिखा हुआ था, इन फेवर विथ बॉस, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन फेवर विथ, तो इसका मतलब होता है, ठीक है, ये पहले भी करा चुका हूँ, रिपीटेड है। शार्प प्रैक्टिस, शार्प प्रैक्टिस क्या होता है, देखो शार्प प्रैक्टिस मतलब क्या होगा, डिसऑनेस्ट मीन्स, ठीक है, जो बेईमान टाइप का होता है उसे बोलते हैं। देखिए बेईमान इसका अर्थ नहीं होता है, लेकिन उस टाइप का जो ऑनेस्ट होता है, डिसऑनेस्ट पर्सन होता है, मतलब कह सकते हैं उसे बोलते हैं, ठीक है, मतलब कुछ अलग ही उसका मीनिंग निकल जाता है। जैसे देखिए बेईमान से आपको समझने में आसान नहीं होगा, बस इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। इन हाई स्पिरिट, ठीक है, क्या होगा, इन हाई स्पिरिट का, फुल ऑफ होप एंड एंथुसिएज्म, ठीक है, एंथुसिएज्म मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब जोश में होना, ठीक है, तो फुल ऑफ हेल्थ एंथुसिएज्म, ठीक है, जिसको आपको पूरी तरीके से आप उसमें उग्र हो, मतलब वो चीज़ में आप लगे हुए, उसे क्या बोलेंगे, हाई स्पीड, पूरा अच्छा तरीके से, ठीक है। सेक इन सोच, सेक इन सोच मतलब क्या होगा, ट्रेम्बल विथ फियर। अब देखो सोच मतलब क्या होता है, SOSHOE, सोच मतलब क्या होता है, घबराना, सॉरी सोच मतलब नहीं, ट्रेम्बल मतलब होता है घबराना, TREMBLE, ट्रेम्बल मतलब होता है घबराना, तो ट्रेम्बल विथ फियर, तो फियर अब डर, कोई चीज़ का डर है उसके सब घबरा रहे हैं, उसे बोलते हैं सेकिन सोच, ठीक है। हिट्स एंड स्टार्ट जो है ये रिपीटेड है, नॉट रेगुलरली लिखा हुआ है, पीछे भी हो गई है। क्लोज सेव, क्लोज सेव मतलब क्या होता है, देखिए क्लोज सेव मतलब नैरो सेव, देखो अब क्या होता है, कोई चीज़ अब जा रहे हो रास्ता में, ठीक है, बाइक आप चला रहे थे, ठीक है, आगे से मतलब कोई भी चीज़, एक कुत्ता ही दौड़ के आ गया, ठीक है, तो अब इसको बचाने के चलते तो तुरंत इधर उधर बाइक करके निकल जाते, बोलते आज तो मतलब जान से जान बचा, बहुत एकदम नज़दीक बारीकी से मैं बचा, इस प्रकार से बोलते हैं। तो उसी प्रकार की चीज़ को बोलते हैं नैरो सेव, ठीक है। अब 75 में क्या है, टेक विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट,
देखो इसका मीनिंग क्या है, टू लिसन टू समथिंग विथ कंसिडर डाउट, ठीक है, कंसिडरेबल डाउट। अब देखो इसका मतलब क्या है, टू कंसिडर टू समथिंग विथ कंसिडरेबल डाउट, ठीक है। जो आपका डाउट था उसे आप मतलब, ठीक है, मतलब देखो आप मतलब इसका मीनिंग क्या बता सकता हूँ, देखो इसका कैसे हिंदी में बताऊँ, ठीक है, मतलब बस समझ जाए, ठीक है, ये टू लिसन टू समथिंग विथ कंसिडरेबल डाउट, मतलब जो आपका क्या बोल सकते हैं इसका मीनिंग क्या निकलेगा, ठीक है। देखो इसका आप मतलब मीनिंग देख लीजिएगा, ठीक है, मैं कमेंट में लिख दूंगा हिंदी, लेकिन यही होता है, ठीक है, टू लिसन टू समथिंग विद कॉन्स्टेबल डाउट, मतलब हिंदी में इसका नहीं समझ सकता हूँ, नहीं है, 76 में आता है, ठीक है। ऑप्शन चॉइस, ऑप्शन चॉइस है इसका मतलब क्या होता है, नो रियल चॉइस एट ऑल, ठीक है, नो रियल चॉइस ऑफ चॉइस एट ऑल, ठीक है। अब इसका देखो एक फेमस ये भी है कि ऑप्शन चॉइस मतलब क्या है, स्टोरी फेमस है, एक ऑप्शन होता है जिसके पास घोड़े होते हैं, तो एक वो है जो है एक यूनिवर्सिटी के बगल में होता है, और जो पढ़ने आते हैं वो क्या करते हैं, ऑप्शन के पास से घोर्स ले हॉर्स लेकर के अपना जो है सो मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं क्या, इन्जॉयमेंट लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, ऑप्शन के पास वो पूरा यूनिवर्सिटी के पास एक ही दुकान होता है हॉर्स का, तो ऑप्शन उस स्टूडेंट के पास कोई चॉइस नहीं है, जो ऑप्शन देगा वही उसको लेना पड़ेगा, तो क्या हो गया, ऑप्शन चॉइस मतलब उसको वही मिलेगा जो ऑप्शन हॉर्स देगा वो, ठीक है। तो यही है ऑप्शन चॉइस, ऐसे याद रख सकते हैं। टू ईट एट हम्बल पाई, देखो ये तो पढ़ते ही आपको मीनिंग समझ आता है, टू ईट अ हम्बल पाई, ठीक है, ये बहुत ईजी है, ठीक है। टू अपोलाइज, ठीक है, माफ़ी मांगना, मान लीजिए आपने कोई गलती कर दिया था, ठीक है, आप उसको अंदर ही अंदर पी रहे हो, तो आपको बर्दाश्त नहीं करते, तो क्या कि हम जिस प्रकार से याद रखे थे वो बता रहे, अब आप क्या किए, आप जाकर के माफ़ी मांगनी है, टू अपोलाइज, ठीक है, कि भाई ऐसा ऐसा मेरा गलती हो गया था तेरे साथ, अब मैं सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है। टू गिव द डेविल्स हिज ड्यू, ठीक है, देखो आप मतलब डेविल्स को जैसे उसको बकाया दे रहे थे तो क्या बोलेंगे, ठीक है, अब मतलब डेविल से उसको अपन आप उसका बकाया दे दे रहे तो उसको क्या बोलेंगे, इसका मीनिंग क्या होगा, टू गिव इनकरेजमेंट इवन टू इनिमी, ठीक है, आप अपने दुश्मन जो है उसको भी तारीफ कर रहे हो, ठीक है, प्रशंसा कर रहे हो, ऐसा कब होता है, कभी सिचुएशन होता है ऐसा होता है, देखिए आप मतलब मान लो कि आपकी जो क्रिटिसाइज करना हो तो आप कर सकते हो ऐसा, लेकिन देखो इसका मतलब यही होता है कि अपने दुश्मनों की जो है सो प्रशंसा कर सके। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, ये रिपीटेड है, ये हो चुका है, ठीक है, पीछे देख लीजिएगा। एन ओपन बुक, ये बहुत ईजी, ठीक है, एन ओपन बुक मतलब एक खुली किताब होता है हिंदी में, नहीं आ, देखो इंग्लिश में क्या मीनिंग लिखा हुआ है, वन डैट होल्ड नो सीक्रेट, लेकिन देखो ईडियम है, ठीक है, ईडियम का हिडन मीनिंग होता है, एन ओपन बुक है इसका मतलब खुली किताब है, तो खुली किताब है तो क्या उसको समझते नहीं, नहीं ऐसा थोड़ी ना, खुली किताब है मतलब उसको जाकर के कोई भी पढ़ सकता है, एक मान लो आप खुली किताब कहीं पर भी रख दो कोई भी पढ़ सकता है उसे, इस प्रकार से मैंने याद किया था, इसका मतलब क्या हुआ, वो पर्सन जो कोई भी सेक्रेट अपने ना अंदर नहीं छुपाता है, वो सारे सेक्रेट आपको बता देता है, अगर मान लो आपका कोई फ्रेंड है जो आपको सारे सीक्रेट बात अपना बताता है तो वो क्या होगा आपके लिए, मतलब वो एक ओपन बुक होगा, ठीक है, ओपन बुक फ्रेंड होगा आपके लिए। एनेक्स टू ग्रेन, इसका मतलब क्या होगा, ग्रेन, ठीक है, आप प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, ठीक है, आप मतलब कोई भी काम कर रहे हो अपने फायदे के लिए उसे बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं क्या, देखो स्वार्थी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन देखो इसको मैंने याद कैसे रखा था, एनेक्स टू ग्रेन, ठीक है, एनेक्स टू ग्रेन को मैंने इस प्रकार से याद रखा था, समझाने के लिए मैं बता देता हूँ, मान लीजिए आप अपने घर में जो मार्केट जाते हैं, ठीक है, तो मार्केट जाते हैं तो आपको मान लीजिए 100 रुपीज़ मिलता है, ठीक है, आप जो है जो सामान लाते हो कितना 95, तो आपके जो 5 रुपये बच गए, 5 रुपये पर डे बचा लोगे तो आपके एक मंथ में कितने हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएंगे, तो ठीक है ये काफ़ी होता है, आपने बचपन के टाइम में 5 रुपये भी काफ़ी होते थे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया, मैंने इसको इस तरह से रखा था कि ये मेरा क्या हो गया, एन एक्स टू ग्रेन, मतलब मैं काम कर रहा हूँ लेकिन किसके लिए कर रहा हूँ, अपने फ़ायदे के लिए, कि मेरा भी कुछ फ़ायदा हो रहा है इसलिए, तो उसे क्या बोलते हैं, अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, ठीक है। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्प्ट, ठीक है, टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्प्ट क्या होगा इसका मतलब, प्रेज वंस ऑन एबिलिटी एंड अचीवमेंट, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, आप अपना ही गुणगान करते, देखो कोई होता है ऐसा, ठीक है, वो क्या करेगा, जब भी उससे मिलो वो अपना ही गुणगान करेगा, मेरा मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये अवार्ड जीता, मैंने ये किया, मैं इसमें फर्स्ट आया, मैं यहाँ पे ये करता था, वो करते रहेगा अपना गुणगान, तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्प्ट, ठीक है, जिसे आपके जो पड़ोस वाले आंटी होंगे वो क्या करते हैं, वही करते हैं ना सब, अपना गुणगान करते रहेंगे जब आएंगे तो, ठीक है। स्टैंड ऑफिस, स्टैंड ऑफिस क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है, इनडिफरेंट, देखो ये हम लोग जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था उसमें एक वर्ड पढ़े थे स्टोइक, जो कि बहुत बार रिपीट हुआ था, इनडिफरेंट इन पेन एंड प्लेजर, जो बंदा इनडिफरेंट होता है पेन और प्लेजर में उसे क्या बोलते हैं, स्टोइक, तो यहाँ इसका ही मीनिंग है, स्टैंड ऑफिस, ठीक है, स्टैंड ऑफिस मतलब क्या होगा, इनडिफरेंट, स्टोइक पर्सन, जो सुख और दुख दोनों में एक हिस्सा होता है। शोइंग वाइल्ड ऑट्स, ठीक है, क्या होगा, इरेस्पॉन्सिबल, ठीक है, देखो
इरेस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज, मान लो वो बंदा वो ये क्या है, देखो बंदा नहीं सॉरी, यहाँ पे ये क्या है कि सोलिंग वाइल्ड ऑट्स मतलब क्या होता है, जो इरेस्पॉन्सिबल है मतलब जो युवावस्था में अपना टाइम जो है सो उस जगह पे खर्च कर देता है, मतलब इंजॉयमेंट में सिर्फ प्लेजर में खुशी खुश रहने में कर देता है, और क्या होता है जब उसको टाइम ख़त्म होता है तो उसको समझ में आता है कि शायद मैंने टाइम जो है सो गवा दिया। मान लो अभी आपका पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई मैंने करके आप घूमना फिरना ही सब में ख़त्म कर देते, एक दिन आप पछताओगे। तो इससे ही वही है ये मुहावरा का जो है सो मीनिंग देता है। अ बॉल फ्रॉम द ब्लू, ठीक है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट, ठीक है। अब मान लो आपका जो सीजर का आपने फर्स्ट डे एग्ज़ाम दिया, ठीक है, टीयर वन टीयर टू टीयर थर्ड, और आप अचानक से एक दिन जॉब आपको जो है सो आपने यूपीएससी का जॉब दिया, इधर नहीं सॉरी आप सीजर का एग्ज़ाम दे रहे हो, दो बार तीन बार आपका नहीं निकल रहा है, और आपने क्या किया एक बार यूपीएससी का फॉर्म भर दिया और उसके लिए एक साल मेहनत की और वो निकल गया, तो ये क्या होगा आपके लिए, इवॉल्व फ्रॉम द ब्लू होगा आपके लिए एकदम अचानक से, मतलब चौंका देने वाला बात होगा, ठीक है। देखो बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है, इसको क्या होगा रेपिडली, पहले भी आ चुका है, रिपीट कर चुका है, इसी में आया है, ठीक है, तेज़ी से। ऑफ नो अवेल, ठीक है, ऑफ नो अवेल मतलब क्या होता है, यूजलेस, जो काम में ना हो, ठीक है। ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द पेंट ऑफ पॉइंट ऑफ, ठीक है, इसका मतलब होता है देखो क्या हो गया, ऑन द वर्ज ऑफ मतलब आप जैसे मान लो कोई बात कर रहे हो, ठीक हो, आप कोई पॉइंट ही नहीं है उसमें, तो क्या मतलब पॉइंट है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑन द वर्ज ऑफ, ठीक है। मतलब देखो बताता हूँ आपको, ठीक है, आपको किसी दोस्त ने बोला कि यार मेरा ये चैप्टर छूट गया मुझे पढ़ा दो, तो आपने क्या बोला कि मेरा भी ये चैप्टर छूटा हुआ है, दूसरा कोई भी वो आप मुझे बता दो, आपको मैं ये बता दूँगा, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ऑन द वर्ड जॉब, ठीक है। 89 देखते हैं, असॉर पॉइंट, असॉर पॉइंट क्या होता है, समथिंग विच हर्ट्स, ठीक है, जो आपको तकलीफ देता है, मान लिया आपने अपने लाइफ में कभी कुछ किया होगा और आप जब भी उसको रिमेंबर करते हैं वो आपको तकलीफ देता है, या मान लो आपको कोई आके कुछ बोल देता है आपको, मतलब जॉब ही नहीं निकल रहा है, मान लो तीन छः बार आप एसएससी का तैयारी एग्जाम में बैठ चुके आपका नहीं निकल रहा, तो जो भी आएगा बोले कितना साल से कर रहे हो, चार साल, ये यार तो आपके लिए तकलीफ ही होगा, अभी तक नहीं निकला भाई, वो खुद देख देखे कितना डिफिकल्ट है तो उसको समझ में आएगा, ठीक है। लाइक अ फोनिक्स क्या होता है, इसका मतलब विथ अ न्यू लाइफ रीबर्थ रेइनकार्नेशन, ठीक है, रेइनकार्नेशन, ठीक है। लाइक अ फोनिक्स मतलब क्या हो गया, एक नया जन्म टाइप का आपका, एक नया जन्म, मान लो क्या हुआ कि आप जो है बहुत ज़्यादा बदमाश थे, पढ़ते लिखते नहीं थे, कुछ भी करते थे, और अचानक से क्या हुआ कि आपका जो है आपने एक दिन क्या हुआ कि किसी ने कुछ बोल दिया, आप क्या किए कि उस दिन से पढ़ना शुरू कर दिया, आपका जॉब लग गया, आप इतना पढ़े अच्छा से पढ़े, सब मेहनत किए तो आपको लग गया, तो क्या हुआ आपके लिए, क्या हुआ लाइक अ फोनिक्स हो जाएगा, मतलब आपका एक नया जन्म हो गया, आप क्या थे और क्या बन गए, ठीक है। देखो टू कीप अंडर रैप्स, ठीक है, रैप्स तो रैपर्स तो आप समझते होंगे, रैपर्स क्या होता है, इसके अंदर पैक रहता है, मान लो कुरकुरे सब जो पैक रहता है क्या होता है, रैपर्स होते हैं, तो अब समझ गए क्या होगा सेक्रेट, ठीक है। अब देखो इसको याद करना है कैसे, आप गिफ्ट देते हो उसे क्या करते हो, गिफ्ट पैकिंग पेपर से क्या करते हो, उसको पैक कर देते हो, तो क्यों पैक करते हो, ताकि वो देख ना सके सेक्रेट है वो, मैंने क्या दिया वो मेरा, ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं टू कीप अंडर रैप्स, ठीक है। डाई इन हार्डनेस क्या हुआ, टू डाई एट वंस वर्क, ठीक है, बहुत कोई चाहते हैं कि मैं जो काम करता हूँ मैं उसको करते हुए मरूँ, मतलब वो नहीं चाहते कि मैं घर बैठूँ, या मतलब ऐसा ज़िंदगी लास्ट में मेरा जो है सो एक दो साल बच्चे ऐसा करूँ कि मतलब जो है सो अपना जो काम था मेरा वो ना करते हुए मैं दुनिया से जाऊँ, इससे अच्छा मैं अपना काम करते हुए जाऊँ, वो बहुत कोई चाहता है, तो इसे क्या बोलते हैं डाई इन हार्डनेस, मतलब अपना काम जो है उसका पैसा है वो करते हुए वो मरे, उसे बोलते हैं डाई इन हार्डनेस, ठीक है। आगे देखते हैं 100 तक ही देखेंगे। फेयर वेदर फ्रेंड, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, फेयर वेदर फ्रेंड मतलब क्या होता है, देखो अ फ्रेंड दैट ट्रेजर्स इन डिफिकल्टीज, ठीक है। अब देखो आपको मान लो आपके बहुत सारे फ्रेंड होंगे, उसमें कुछ बेस्ट फ्रेंड होंगे, आपका मान लो कहीं गए हैं आपका लड़ाई हो गया, ठीक है, ये फ्रेंड लोग में होता है बहुत ज़्यादा, अब मान लो आपका लड़ाई हो गया, आपने कॉल किया अपने 10 फ्रेंड्स को, उसमें से आए कितने, 2, तो बाकी जो 8 नहीं आए वो क्या हो गए, फेयर वेदर फ्रेंड्स, मतलब मुसीबत के समय जो भाग जाए उसे क्या बोलते हैं, फेयर वेदर फ्रेंड। देखो फेयर वेदर फ्रेंड को मैंने कैसे याद रखा था, ठीक है, फेयर वेदर फ्रेंड, अब देखो मान लो मतलब इसको मैंने, मतलब ये तो एक ही बार में आपको याद हो जाता है कि देखो फेयर वेदर फ्रेंड मतलब वो जो नहीं आए, तो ठीक है इसको दूसरा तरीका मत रखो, आप वही याद करो ज़्यादा बेटर है। कट नो आइस, ठीक है, कट नो आइस मतलब क्या हुआ, हैड नो इन्फ्लुएंस, देखो अब ऐसा बंदे के साथ आप रहना चाहोगे जिसका मतलब दोस्ती भी नहीं करना चाहोगे, इसका मतलब उसको दुनिया बेकार समझती है, मतलब मान लो बेकार समझना मतलब क्या, वो दिन भर कुछ नहीं करता, पढ़ता लिखता नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, तो उसे साथ कोई भी रहना नहीं चाहेगा, उसे क्या बोलते हैं, उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, उसका समाज पर कोई प्रभाव नहीं है, तो उसी आदमी को बोलते हैं बेकार आदमी, ठीक है, उस टाइप का।
जो कट नो आइस था, मान लो ब्रेक था आइस क्यूब, उसका मतलब क्या होता है? आइस आया इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, आइस रिलेटेड जो ब्रेक था आइस क्यूब क्या होता है? बातचीत शुरू करना, ठीक है। मान लो आप दो कोई भी हो, आपका दोस्त है, उससे आपका जो है टूट गया रिश्ता, मतलब बातचीत नहीं वाला बहुत दिनों से। अब एक दिन अचानक से आपको याद आ रहे थे, बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने मैसेज कर दिया, तो क्या हुआ? कट द मतलब ब्रेक द आइस क्यूब हो गया, ठीक है। ब्राउट अप, ब्राउट अप मतलब क्या होता है? इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन, ठीक है। किसी को डिस्कशन के लिए आप इंट्रोड्यूस करते हो, उसे बोलते हैं ब्राउट अप, ठीक है। कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू, ठीक है, कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू, मतलब देखो ये सबको करना चाहिए, आप अपने आप को किसी से कंपेयर्ड मत करो, ठीक है। कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू, ठीक है, कैंडल को आप मतलब देखो होल्ड करोगे मतलब क्या, मतलब मीनिंग क्या दे रहा है ये, कि कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू, आप किसी से कंपेयर्ड मत करो, किसी भी चीज़ को आप किसी से किसी को कंपेयर्ड नहीं ना कर सकते हो। बर्न वंस बोट, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इजी, मतलब इसको याद रखना भी इजी है, ठीक है। बर्न बोट्स वंस बोस्ट, अब मतलब देखो अपना ही बोट को जला रहे हो, तो क्या होगा मीनिंग? लिव नो मीन्स ऑफ रिटर्न, ठीक है। मान लो इसका मीनिंग देखो समझो, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप कोई ये क्या बोलते हैं, जो लैंड होता है ना उसे क्या बोलते हैं, समुद्र के बीच जो एक लैंड होता है बीच में, उसके मान लो उसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं, लेकिन मान लो आपने एक देखा लैंड देखा, उस पर आप चले गए, ठीक है, समुद्र के बीचों बीच आप चले गए आप, ठीक है, समुद्र, सॉरी समुद्र बोल देता हूँ मैं, एक नदी है, ठीक है, उसके ही बीचों बीच में एक बना हुआ है, उसमें आप चले गए, इसको याद रखना, ठीक है। तो एक छोटा सा झील है, उसी के बीचों बीच में बना हुआ है, उसमें अपना बोट लिया, आप चले गए और क्या किया आपने, अपना ही बोट जो है उसे जला दिया, तो आपको क्या होगा, आप कभी वापस नहीं आ पाओगे फिर, क्योंकि बोट आप कहाँ बनाओगे फिर, वहाँ पर आप बना भी लिए तो, मतलब कहने का याद करने का तरीका है बर्न वंस बोट, मतलब वापस आने का कोई तरीका आपने नहीं बचने दिया। मेक वंस, देखो ये क्या है, मेक वंस फ्लैश स्क्रिप्ट, ठीक है, हॉरीफाई, डरावना डरावना, ठीक है। मेक वंस फ्लैश स्क्रिप्ट, मान लो आप किसी का जो फ्लैश है ना उसे मतलब क्रिप करा देता है, तो उसे क्या बोलेंगे, हॉरीफाई, डरावना। मान लो कोई डरावना मूवी देख लें रात को, तो आपको जैसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उसे क्या बोलते हैं, डरावना, ठीक है। हंड्रेड वाला जो है ये देखो, प्रोस एंड कौन सी हमारा रिपीटेड वर्ड है, फॉर एंड अगेंस्ट एनालिसिस ऑफ द गिवन फैक्ट्स, ठीक है। जो जज होते हैं वो क्या करते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों देखते हैं, मतलब फॉर प्रोस एंड कौनस दोनों देखते हैं, तो उसे क्या, इसका मीनिंग क्या हो गया, जो पूरा अच्छा तरह से एनालाइज करते हैं उसे बोलते हैं प्रॉप्स एंड कॉन्स। देखो एडियम जो 100 है हो गया कंप्लीट हमारा, यानी कि आज 51 कर लिए, इस तरह से 20 क्लासेस में जो है हमारे 100,000 हो जाएंगे कंप्लीट। और कितना इंपॉर्टेंट है देखिए एडियम, आप समझ सकते हो, देखो कितने बार रिपीट हुआ, यहाँ पर रिपीट हुआ हमारा, ये रिपीट हुआ, और भी इतने बार रिपीट हुआ, देखो यहाँ पर रिपीट हुआ, कितने बार रिपीट हो गया आपके 100 एडियम्स में, आपका कम से कम 10 एडियम रिपीट हुआ है, मतलब आपने 80 पढ़ा है, 90 पढ़ा है, उसमें 10 आपका रिपीट हुआ, तो कितना इसका जो है सो प्रीवियस ईयर्स का जो है सो ये है क्या बोलते हैं वेटेज है जेएससी के एग्ज़ाम में, वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ तक देखें तो इसका मतलब है आपने अच्छा से आप तैयारी करना है, अगर सिंसियर स्टूडेंट है, और प्लीज़ आप लाइक कर लीजिए, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए उसको जो है सो चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, उसके बाद जो सो कमेंट भी कर दीजिए, और आगे भी मैं वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स लोग में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद, आज का लेक्चर यहाँ पे मैं